हेलो सजिटेरियस वेलकम टू गुरु माई हिंदी टैरो और ये रीडिंग है थर्ड ऑफ नवंबर से लेके नाइन्थ ऑफ नवंबर तक की तो चलिए देखते हैं आपके क्या मैस्टर्स है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लव में फॉर Of Pentacles, Strength, Two of Wands, Five of Cups, Ten of Swords. Okay. So, Sagittarius, Laktaheja say, ki Apko ignored Massu Sora. फाइव ऑफ कप्स के साथ आपको लग सकता है जैसे ये पर्सन आपको कॉन्टिनसली इग्नोर कर रहा है आपकी बातें सुन के भी अनसुना कर रहा है और uh, कोई बदलाव नहीं लाना चाहता अपने बिहेवियर में ये पर्सन जैसे लग रहा है कि पूरी तरीके से इनएक्टिव है लाइक like, इस रिलेशनशिप में भी होके वो अपनी तरफ से कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे है या अपनी तरफ से कोई भी कोशिशें नहीं कर रहे है कि ये रिलेशनशिप वर्क करें बिकॉज मैं यहाँ सिक्स ऑफ पेंथिकल्स देख रही हूँ तो सिक्स ऑफ पेंथिकल्स के साथ आम, आम, ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपसे कई बार किसी तरीके की हेल्प लिया ये हेल्प हो सकती है फाइनेंशियल मैटर्स में ये हो सकती है किसी तरीके का एडवांटेज लेने के बारे में इस पर्सन ने हमेशा आपका साथ पाया आपका सपोर्ट पाया जब भी उन्होंने मांगा या जब भी उन्हें चाहिए था कई बार बिना मांगे भी एंड लगता है इस पर्सन को अब आदत लग गई है इस तरीके की ट्रीटमेंट की उन्हें लगता है सजिटेरियस की चाहे जो भी हो जाए आप तो वहाँ रहेंगे ही उनके लिए हमेशा आप रेडी रहेंगे और इस पर्सन को लगता है कि वो चाहे तो आपकी बातों को इग्नोर कर सकते हैं आपके कॉल्स आपके टेक्स्ट मैसेज और इन सारी चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं एंड स्टिल जब वो वापस आना चाहेंगे उनके लिए हमेशा अपॉर्चुनिटी रहेगी बिकॉज यहाँ फाइव ऑफ कप्स के साथ आप देखें तो यहां टू ऑफ कप्स भी है तो यहां पे थ्री ऑफ कप्स बिखर गए हैं वो चीजें जो उन्हें लगता है बिखर गई हैं उन्हें लगता है कि इन चीजों को वो वापस रिकलेक्ट कर सकते हैं ओके एंड यहाँ टू ऑफ कप्स के साथ उन्हें ये उम्मीद भी है कि ये रिलेशनशिप वर्क करेगा इन्हें लगता है कि वो जब चाहे वापस आ सकते हैं आपके जीवन में और सारी चीज़ें ठीक ही वर्क करेंगी तो ये एक बहुत ही वियर्ड सिचुएशन है जहां पे ये पर्सन आपको टेक इन फॉर ग्रांटेड ले रहा है और आ, हो सकता है आपकी जितनी भी आ, रिक्वेस्ट हो कि उन्हें अपने अंदर क्या बदलाव लाना चाहिए या किस तरीके का बिहेवियर बंद करना चाहिए वो सारी चीज़ें ये पर्सन बहुत आराम से इग्नोर करते जा रहा है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उन्हें इन बातों को सीरियसली लेने की जरूरत ही नहीं है इनफैक्ट टू ऑफ वांट्स के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आम, चाहे वो बोए कुछ भी मिलेगा उन्हें अच्छा ही लाइक like, चाहे उनके कर्मा अभी कुछ भी हो बाद में उन्हें उसका अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा इस पर्सन को लगता है कि उनके एक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बिकॉज उनका लवर आपके जैसा जो है आप सच हैं और उन्हें लगता है कि आप कभी भी उन्हें भूलेंगे नहीं बट एक चीज जो ये पर्सन भूल रहा है वो ये कि आप कितने स्ट्रांग हो सकते हैं इस पर्सन को लगता है जैसे कि वो किसी तरीके से आपके लिए एक नेसेसिटी बन गए हैं अब आप उनके बिना नहीं रह सकते लाइक like कोई इमोशनल सपोर्ट बन गए हैं वो आपके लिए एंड स्ट्रेंथ uh, के कार्ड के साथ उन्हें लगता है कि वो कंट्रोल uh, कर सकते हैं आपको या जो भी आपका गुस्सा है उसे उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं उन्हें कोई कोशिश करने की जरूरत नहीं एंड आप सारी चीजों को भूल जाएंगे इस पर्सन को लगता है कि इस कनेक्शन को वो पॉज पे भी रख सकते हैं चाहे तो बिल्कुल साइलेंट हो जाए ना कुछ डिस्कशन करेंगे ना आपसे इंटरेक्ट करेंगे एंड सोचेंगे कि वक्त ही सब कुछ ठीक कर देगा उन्हें बस साइलेंट रहने की जरूरत है एंड सच्चेस पुरानी बातों को भूल जाएंगे सजचेरियस खुद ब खुद इतने डेस्परेट हो जाएंगे इतने बेचैन हो जाएंगे कि वो तैयार हो जाएंगे चीजों को इग्नोर करने के लिए एज इट इज उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे तो इस तरह की कोई चीज हो सकती है एंड टेन ऑफ शॉर्ट्स के साथ सजिटेरियस आप फसा वसा महसूस करेंगे आप सोचेंगे कि पता नहीं ये पर्सन क्लियर क्यों नहीं हो सकता अपनी बातों को क्लियरली आपके सामने रखता क्यों नहीं कभी कभी क्यों नहीं ये सोचते कि आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं आपको ये पर्सन फ्रस्ट्रेट जरूर कर देगा बिकेज आ, मैं यहाँ टेन ऑफ सॉर्ट्स देख रही हूँ तो आपको लगेगा कि आप एक ऐसे रिलेशनशिप में फंस गए हैं जिसका कोई फ्यूचर नहीं है और जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है टैन ऑफ सॉर्ट्स आपसे कह रहा है कि अगर आपको सफोकेटेड फील हो रहा है अगर आपको लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में स्टक हैं तो इससे बाहर आने का वक्त है सैटचेरियस खुद को इतना पुष्प मत कीजिए कि आप इस रिलेशनशिप को एंजॉय ना कर पाएं और आप एक रिलेशनशिप में भी रह के खुद को अकेला महसूस करें टैरो आपको यही मैसेज दे रहा है इस वीक में हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या एयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए क्वीन ऑफ वांस सेवन ऑफ सोल्स व्हील ऑफ फॉर्च्यून नाइट ऑफ of ऑफ uh, Okay. तो हमारे पास है क्वीन ऑफ वो आपको याद दिला रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में क्या रोल प्ले कर रहे हैं और आप इस रिलेशनशिप में क्या अहमियत रखते हैं वो शायद आप भूल गए हैं बिकॉज आप ये क्वीन ऑफ ऑनस है और इस पर्सन को ये बात अच्छी तरीके से पता है उन्हें पता है कि आप उनसे कहीं बेहतर हैं और आप एक्चुअली में बहुत ज़्यादा कंप्लीट हैं गॉर्जस हैं आप कॉन्फिडेंस से भी भरे हुए हैं जो चाहे वो कर सकते हैं बट शायद ये बात आप भूल गए हैं बिकज़ ये पर्सन जिस तरीके से आपको ट्रीट कर रहा है आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आप में ही कुछ कमी है या आपने ही कोई गलती कर दी है सल इन बातों को सोचना बंद कर दीजिए बिकज इनका कोई मतलब नहीं है ओके okay? आपका हायर सेल्फ आपको याद दिलाना चाहता है कि आप ये क्वीन ऑफ ऑनड्स है जो अपने आप में कंप्लीट है और उसे किसी की आवश्यकता नहीं है खुद को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास है सेवन ऑफ सोल्स तो आप बहुत सारी चीजों को एक साथ हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं साजिश मत करिए बिकॉज आप सब कुछ संभाल नहीं पाएंगे और अगर आप हर चीज को एक साथ संभालने की कोशिश करेंगे तो आप एक भी चीज को सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे तो टैरो आपसे कह रहा है कि फिलहाल एक चीज को अपना फोकस बनाइए और उस पर वर्क कीजिए व्हील ऑफ फॉर्च के साथ आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है आपको बस क्लियर होने की जरूरत है कि आपको क्या चाहिए आपको बस फोकस करने की जरूरत है उस चीज़ पे जो आप अभी सबसे ज़्यादा डेस्परेटली चाहते हैं चाहे वह कुछ भी हो इन केस अगर आपको लव चाहिए तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपके लिए वो रास्ता बना रहे हैं वैसा ही लव आपको मिलेगा जैसा आपको चाहिए जहां तक बात है इस पर्सन की अगर ये आपके लाइफ में नहीं है इस वक्त ये आपसे दूर है तो समझिए कि यूनिवर्स ने ऐसा किसी मकसद से किया इनफैक्ट नाइट ऑफ वॉर्न का मतलब है कि ये पर्सन आपके लिए सूटेबल हो सकता है ना हो सेम पेज पे ना हो और इमेच्योर uh, हो सकता है तो इसके पीछे यूनिवर्स का कुछ ना कुछ तो सोचना है ही एंड uh, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वही मैनिफेस्ट हो रहा है क्योंकि मैं सिक्स ऑफ वांट्स देख रही हूँ तो इन दी एंड जो आपको चाहिए वहाँ आप होंगे आपको वो चीज़ें मिलेंगी बट uh, आपको रेडी रहना होगा नेगेटिव चीज़ों को गुड बाय कहने के लिए ताकि आप पॉजिटिव चीज़ों के लिए जगह बना सके अपने लाइफ में ओके okay? चलिए देखते हैं आपके लिए और मैसेज क्या है डायना फोकस्ड इंटेंशन थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर सेट्स योर साइट हाई एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम सजिटेरियस यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि जो आप डिजर्व करते हैं उसके बारे में सोचिए ओके okay? शायद इस पर्सन का प्यार वैसा है ही नहीं जैसा आपको चाहिए तो आप जो सोच रहे हैं उसे मैनिफेस्ट करने के लिए पॉजिटिव रहिए और जैसा आप अपने लिए एक्सपेक्ट करेंगे यूनिवर्स आपको वैसा ही करके देगा जल्दी ही चीज़ें चेंज होंगी ओके okay? तो ये है रीडिंग इस वीक की आई होप आपको अच्छी लगी होगी थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल नेक्स्ट वीडियो बाय